यहाँ से डेली लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं, उसमें से कुछ ही लोग जो हैं इनको चारा खिलाते हैं। 5 रुपये कोई खिलाता है, कोई 10 रुपये का, और बस भैया अपने तरफ से ही अपना नुकसान करा के इतने चारे हैं यहाँ पर। भैया अपने नुकसान करा के खुद ही खिलाते हैं, कोई नहीं खिलाता है। तो अब कुछ लोग हैं अपना रुक के पैसे भैया को देते हैं, चारा लेते हैं और खिला देते हैं। और यहाँ से लाखों गुजरते हैं, लेकिन कोई बस अपने में कहीं बिजी है, कोई दान पुण्य नहीं करना चाहता, बस बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं इसी चीज़ को। और दान पुण्य ऐसे पक्षियों के लिए चारा खिलाना चाहिए। लाखों गुजरते हैं, उसमें से कुछ सैकड़ों लोग भी अगर 5 रुपये 10 रुपये का चारा खिला दें, भैया का भी कमाई हो जाएगा और पक्षियों का पेट भी भर जाएगा। लेकिन लोग ऐसा कुछ सोचते नहीं, उनकी सोच नहीं होती है, लोगों को क्या कहना है। मैंने ऐसे घूमने जाना था, मैं कहीं दूसरी जगह पंछियों को देखा, भैया का देखा था, मैं बात करने लगे, बोले हम हरदोई से हैं। तो मेरा प्लान था जाने का, तो ऐसे माया पार्क है इधर ही, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, लेकिन नहीं गया। मेरा मन ही चेंज हो गया, जाने का मन ही गया। यहीं पर 2 घंटा भी एक साथ बिताया और अब ठंड लग रही है, मैं घर जाने रूम पर जाने वाला हूँ। आज फिर अपने जो काम करता हूँ काम चलने करने चला जाऊँगा। और मैं तो वैसे ही लोगों से निवेदन करूँगा कि जो लोग इधर से गुजरते हैं, इस एरिया से गुजरते हैं, कुछ ना करें तो अपना 5 रुपये 10 रुपये का इन पक्षियों के लिए चारा ही खरीद के दे दें, भैया का भी कमाई हो जाएगा। ये भैया हैं और आप लोगों का धन दान पुण्य हो जाएगा और मन को शांति भी मिलेगी। एक बार ऐसा करके आप लोग देखिए, जो मन की शांति मिलती है वो अलग ही फील होता है। और ये बाबाओं के चक्कर में, आश्रमों के चक्कर में ना पड़े, मंदिरों के चक्कर में, इसमें वहाँ पर जो आपको अनुभव मिलेगा उससे और बहुत कहीं ज़्यादा यहाँ पर बच्चियों को चारा खिलाने से अनुभव मिलेगा। और दान पुण्य भी होगा, किसी के पेट भरेगा। मंदिरों में तो बस बलात्कारी अभी बैठे हुए हैं, उसमें खाने वाले बैठ चुके हैं मंदिरों मस्जिदों में। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी इधर से गुजरता है, प्लीज नेटवा सेक्टर 104 रिंग रोड, और यहीं के नहीं छोड़ दीजिए, कहीं भी आप देखते हैं ऐसे चारा खिलाने वाले बेचने वालों को, तो ज़रूर एक बार उतर के अपना चारा खरीद के खिला दिया करें, और उनकी कमाई हो जाएगी जो चारा बेचते हैं, और आपका दान पुण्य हो जाएगा, बच्चों का पेट भर जाएगा, है ना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।